नमस्कार, मैं सुमिता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, भानु प्रताप देव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कांकेर छत्तीसगढ़ से। आज हम डिस्कस करेंगे फेरोमोन्स, एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर पेपर थर्ड, इंसेक्ट फिजियोलॉजी का ये पार्ट है। इंसेक्ट में रासायनिक संचार प्रमुख विशेषता होती है। ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट कम्युनिकेशन में शामिल होते हैं उन्हें सीमियो केमिकल्स कहते हैं। सीमियो केमिकल में फेरोमोन्स और एलियो केमिकल आते हैं। एलियो केमिकल ऐसे केमिकल जो कि इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन में भाग लेते हैं उन्हें इंक्लूड किया जाता है, जबकि फेरोमोन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा स्रावित एक ऐसे केमिकल होते हैं जो उसी जाति के दूसरे एनिमल के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। डेफिनेशन देखें तो फेरोमोन्स टर्म इज़ यूज फॉर दोज केमिकल विच आर सिक्रीटेड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय एन एनिमल एंड दैट एलिक्ट अ स्पेसिफिक रिएक्शन इन अ रिसीविंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, अर्थात इक्टोडर्मल एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित तथा वातावरण में मुक्त किए जाने वाले ऐसे रसायन होते हैं जो उसी स्पीसीज के अन्य सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित कर उनमें विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का कारण बनते हैं। 1959 में पीटर कार्सन और ब्यूटेनॉन्ट ने फेरोमोन्स टर्म दिया था। फेरोमोन्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फेरिन और हार्मोन। फेरिन का अर्थ होता है टू ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोन का अर्थ होता है टू स्टिमुलेट। फेरोमोन्स एक्टो हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं। ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, साथ ही ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस, फेरोमोन्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमर इफेक्ट फेरोमोन व रिलीजर इफेक्ट फेरोमोन। प्राइमर इफेक्ट फेरोमोन स्लो एक्शन फेरोमोन होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स पर भी ये प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल, हेमिनोप्टेरेंस व आइसोप्टेरेंस में जो फेरोमोन होते हैं वो कास्ट डिटर्मिनेशन व रिप्रोडक्टिव कंट्रोल को रेगुलेट करते हैं। रिलीजर इफेक्ट फेरोमोन ये क्विक एक्शन फेरोमोन होते हैं जो किसी भी रिसिपिएंट के नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालकर उसके बिहेवियर में तात्कालिक प्रभाव व रिवर्सिबल चेंज उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल जो होता है वो सेक्स फेरोमोन जो फीमेल बॉम्बिक मोरिक्स है वो रिलीज करती है बॉम्बिकॉल, जिसके कारण मेल पार्टनर उसकी ओर आकर्षित होता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ फेरोमोन, दे आर सेक्स फेरोमोन, अलार्म फेरोमोन, रिक्रूटमेंट फेरोमोन, प्राइमर फेरोमोन, एग्रीगेशन फेरोमोन्स। सेक्स अट्रैक्टेंट, बहुत से इंसेक्ट दो सेक्स के सदस्यों को पास लाने के लिए फेरोमोन का यूज़ करते हैं, इन्हें सेक्स अट्रैक्टेंट कहते हैं। ये सेक्स अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस बाय फीमेल, सेक्स अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस बाय मेल व सेक्स अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस बाय बोथ द सेक्सेस है। अगर हम एग्जांपल देखें सेक्स अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस बाय फीमेल, तो जो फीमेल बॉम्बिक्स मॉरी होती है उसमें बॉम्बिकॉल सेक्स फेरोमोन रिलीज करता है, जिसके कारण मेल उसकी ओर अट्रैक्ट होता है और मेटिंग व रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। सेक्स अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस बाय मेल का एग्जांपल देखें तो बटरफ्लाई लाइक्रा सेरिस सेरिस में एक पिक्यूलियर ग्लैंड होता है जिसे हेयर पेंसिल ग्लैंड कहते हैं, जो कि एब्डोमेन के टिप पे होता है। इसके द्वारा फेरोमोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। सेक्स अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस बाय बोथ द सेक्सेस का एग्जांपल है बाग बीटल आईपीएस कॉन्फ्यूसस, जिसमें दोनों ही मेटिंग पार्टनर फेरोमोन्स का सिक्रीशन करते हैं। अलार्म फेरोमोन, प्रीडेटर से खतरा या भय होने पर अन्य सदस्यों को सतर्क करने के लिए अलार्म फेरोमोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है हनी बी में टू हेप्टोनॉन एक अलार्म फेरोमोन है, साथ ही इसमें आइसोएमाइल एसीटेट सिक्रीट होता है स्टिंग एपरेटस में, जो कि वर्कर भी सिक्रीट करते हैं और साथ ही दूसरे अन्य सदस्यों को आक्रमण के लिए प्रेरित करते हैं।
आंट में फेरामोन्स जो होते हैं वो यूनिडिकेंट, ट्राइडिकेंट और पेंटाडिकेंट नेचर के होते हैं। रिक्रूटमेंट फेरामोन्स जो होते हैं वो मेनली सोशल इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इनमें इसे ट्रायल फेरामोन्स भी कहते हैं। इंसेक्ट फूड को खोजने के बाद लौटते समय ट्रायल फेरामोन का सिक्रेशन करते हैं, जिससे अन्य इंसेक्ट भी ट्रायल का अनुसरण कर फूड तक पहुंच सकते हैं। ट्रायल फेरामोन जो होते हैं वो एक नए कॉलोनी, इमिग्रेशन या स्लेव रेड में भी काम आते हैं। हनी बी में ट्रायल फेरामोन जिरेनोइक एसिड होता है, जबकि सॉलिटरी बी में नेरोटिक एसिड होता है। टर्माइट में ये हेक्सेनॉल एसिड होता है। प्राइमर फेरामोन, ये जब एक ही सब्सटेंस के द्वारा बहुत सारे फंक्शन किए जाते हैं, ऐसे फेरामोन्स को प्राइमर फेरामोन कहते हैं। एग्जांपल, 9-ketone-1-diconoic एसिड फेरामोन जो है वो वर्जिन फीमेल में ड्रोन को अट्रैक्ट करने का काम करती है, और मीटिंग के बाद यही फेरामोन उसमें इनहिबिटरी बिहेवियर प्रोड्यूस करती है। एग्रीगेशन फेरामोन, एग्रीगेशन व कॉन्ग्रीगेट करने के लिए सेम स्पीसीज इसे रिलीज करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठे हो जाते हैं, और ये मोस्टली फीडिंग के समय देखने को मिलता है। एग्जांपल है इसमें कॉनिफर बीटल, जो कि एग्रीगेशन फेरामोन रिलीज होने के बाद फीडिंग के लिए इकट्ठे होते हैं। इनहिबिटरी फेरामोन, कुछ फेरामोन दूसरे फेरामोन के इफेक्ट को इनहिबिट कर देते हैं, उन्हें इनहिबिटरी फेरामोन्स कहते हैं। एग्जांपल, डेंड्रोकोटोमस में अट्रैक्टेंट फेरामोन को वर्बिनॉन जो होता है वो इनहिबिट कर देता है, जिससे कि ओवरक्राउडिंग ऑफ होस्ट नहीं हो पाता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेरामोन ग्लैंड, फेरामोन्स जो होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरसेगमेंटल फेरामोन ग्लैंड फीमेल लेपिडोप्टेरा में, ये 8वें और 9वें एब्डोमिनल सेगमेंट में टिप ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। स्टॉबीज फेरामोनल ग्लैंड, ये मेल नॉक्ट्यूड मॉथ जो होते हैं उनमें 2nd एब्डोमिनल सेगमेंट में स्टॉबीज ग्लैंड प्रेजेंट होता है। स्कैटर्ड फेरामोन ग्लैंड, ये लार्ज ग्लैंडुलर एपिडर्मल सेल होते हैं, जो कि एपिडर्मिस के नीचे बिखरे हुए होते हैं और पूरी बॉडी में हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन के नीचे बिखरे हुए पाए जाते हैं। वेरिएबल ग्लैंड, मेल आर्किड में कॉरिमेटा इवर्सिबल सैक होता है, जो कि फेरोमोन्स का सिक्रीशन करता है। मेल डेनिट फ्लाई में पॉकेट लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होता है हाइंड विंग के पीछे, हाइंड विंग में। और इन पेरिप्लेनेटा एट्रियल ग्लैंड होता है, जो कि सेक्स फेरोमोन का सिक्रीशन करता है। क्वीन और वर्कर हनीबी में मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि फेरोमोन का सिक्रीशन करता है, जबकि ड्रोन में ये एब्सेंट होता है। वर्कर हनीबी में नेसेनॉफ ग्लैंड होते हैं, जो कि ड्रोन में एब्सेंट होते हैं। यूजेस ऑफ फेरोमोन इन इंसेक्ट कंट्रोल, मोस्टली इसमें सेक्स फेरोमोन यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। एक सेपरेट डिस्पेंसर में फेरोमोन्स को रख के फेरोमोन ट्रैप बनाया जाता है। फेरोमोन ट्रैप में जो अपोजिट सेक्स के इंसेक्ट होते हैं वो फंस जाते हैं, और उनके द्वारा इंसेक्ट कंट्रोल किया जाता है। द पर्पस एंड द यूज़ ऑफ फेरोमोन्स आर मॉनिटरिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, मास ट्रैपिंग एंड डिस्ट्रक्शन, मेटिंग डिस्ट्रप्शन एंड मेल कन्फ्यूजन टेक्निक, इंसेक्ट सर्वे एंड कलेक्शन, कीटों की निगरानी व उनके झुंडों को पकड़ने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग किया जाता है। इंसेक्ट को बड़े पैमाने पर फंसाने के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज़ किया जाता है। करीब 6-9 फेरोमोन ट्रैप पर हेक्टर में यूज़ किया जाता है, और मेटिंग पार्टनर को विघटन एक कीट प्रबंधन प्रक्रिया है, इसमें मेटिंग प्रोसेस को बाधित करते हैं। एडवांटेज ऑफ इंसेक्ट फेरोमोन, ये स्पीसी स्पेसिफिक होते हैं, इकोलॉजिकल एक्सेप्टेबल होते हैं और रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी। एंड डिसएडवांटेजेस, फेरोमोन को यूज़ करने के लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है,
और ये शॉर्ट टर्म कंट्रोल मेजर है। इस तरह हम देखते हैं कि फेरोमोन एक्टोडर्मल एक्सोक्राइन द्वारा स्रावित होता है और जो सेम स्पीसीज के मध्य अन्य सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करता है। फेरोमोन का उपयोग इंसेक्ट कंट्रोल में भी किया जाता है। इस मटेरियल को तैयार करने में मैंने द इंसेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय आरएफ चैपमैन, मॉडर्न एंटोमोलॉजी बाय डीबी थैमरे, ए जनरल टेस्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी बाय ईडी एम्स, ए टेस्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी बाय डॉक्टर वाई के माथुर एंड के डी उपाध्याय बुक रेफरेंस के रूप में लिया है। थैंक यू।